वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेन्यू कंपोनेंट के बारे में। सुगा जो मेन्यू कंपोनेंट होता है हमारे पास, उसको यूज करके हम लिस्ट ऑफ चॉइसेस जो वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास नेविगेशन बार है, उसके ऊपर हमने किसी भी लिंक के ऊपर हमने कुछ डिटेल जो है वो डिफरेंट ऑप्शन जो है वो डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम मेन्यू कंपोनेंट का जो है वो यूज कर सकते हैं। तो उसको जब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा वीएस कोड के अंदर। अंदर मैं यहाँ जो पिछली वीडियो थी मेरे पास, यहाँ पे जिसके अंदर हमने नेविगेशन बार बनाई थी, उसी फाइल के अंदर हम यहाँ पे मेन्यू जो है वो बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स जो है वो इम्पोर्ट कर लेंगे। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा मेन्यू, देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा मेन्यू आइटम। तो मैं यहाँ पे दोनों कंपोनेंट्स को जो है वो इम्पोर्ट कर लूंगा। देन उसके बाद हमने यहाँ पे मेन्यू जो है वो शो करवानी है। तो उसके लिए लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ, या मैं सर्विसेज के ऊपर ही जो मेन्यू होता है वो लगा लेता हूँ। मैं डिफरेंट सर्विसेज जो है वो सर्विसेज के अंदर शो करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो स्टैक है इससे मैं यहाँ पे बाहर आ जाऊंगा और मैं यहाँ पे जो मेन्यू कंपोनेंट है उसको मैं यहाँ पे जो है वो इन्वोक कर लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा मेन्यू, तो मेन्यू कंपोनेंट मेरे पास यहाँ पे जो है वो इन्वोक हो जाएगा। देन इसके ऊपर जो है वो सबसे पहले हमने इसको हैंडल भी करना, तो हम सबसे पहले जो काम करते हैं वो यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज स्टेट का जो है वो यूज करूंगा, यूज स्टेट को इम्पोर्ट कर लूंगा। एंड देन यहाँ पे जो स्टेट होगी उसको मैं यहाँ पे जो है वो डिफाइन कर लूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ जाऊंगा एंड देन यहाँ पे कर लेता हूँ कॉन्स्ट, एंड देन उसके लिए यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एंकर एलिमेंट, मैं यहाँ पे कर लूंगा। और यहाँ पे उसके बाद मेरे पास आ जाएगा सेट एंकर एलिमेंट, मैं यहाँ पे जो है वो कर लूंगा। तो इसको जो वैल्यू होगी शुरू में वो हम इसको जो है वो नल रखेंगे, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूज स्टेट, और जो वैल्यू शुरू में होगी उसको हम यहाँ पे नल कर देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे हैंडल क्लिक और हैंडल क्लोज भी जो है वो बना लेंगे। तो उससे पहले हमें यहाँ पे एक बुलियन भी जो है वो चाहिए जो हम सेट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉन्स्ट ओपन, मैं यहाँ पे कर लूंगा, और इसको जो है वो हम एक बुलियन जो है वो रख लेंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बुलियन, और इसके अंदर जो हम वैल्यू पास करेंगे वो हमारा होगा एंकर एलिमेंट। तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो हम इसके अंदर जो है वो पास कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एंकर एलिमेंट। उसके बाद हम यहाँ पे हैंडल जो है क्लिक भी डिफाइन कर लेते हैं, जिसको यूज करके हम मेन्यू को ओपन या क्लोज करेंगे। उसके बाद हम नीचे मेन्यू के अंदर जो है वो सारी चीजें जो है वो करेंगे। पहले ही वाला काम जो है वो हम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हैंडल क्लिक, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। और हैंडल क्लिक के अंदर हम यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो इवेंट पास कर देंगे, इवेंट, और यहाँ पे एरो फंक्शन आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा होगा सेट एंकर एलिमेंट, उसके अंदर जो है वो हम कर लेंगे इवेंट डॉट करंट इवेंट जो है हम इसके ऊपर जो है वो कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ करंट, करंट टारगेट हम इसके ऊपर जो है वो सेट कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा करंट टारगेट। सो इसके बाद जो है वो हम नीचे चले जाएंगे, और यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना जिसको यूज करके हम मेन्यू को क्लोज भी करेंगे। तो वो पहले मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा हैंडल क्लोज, हैंडल क्लोज मेरे पास आ गया। और इसके अंदर सिंपली जो हमारी सेट एंकर एलिमेंट होगा उसको दोबारा से जब हम नल कर देंगे तो हमारा जो एंकर एलिमेंट होगा वो क्लोज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेट एंकर एलिमेंट, और इसको फिर दोबारा से जो है वो हम यहाँ पे नल कर देंगे। तो हमारी ये चीजें जो है वो होगी, हमने यहाँ पे स्टेट डिफाइन कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक और क्लोज के लिए जो है वो हमने फंक्शन भी जो है वो डिफाइन कर दिया। अब हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे जो मेन्यू होगी उसको हम यहाँ पे जो है वो बना लेते हैं। तो मेन्यू के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर जो हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी हम सारे ऊपर डिफाइन कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर जो है वो आईडी डिफाइन कर लेते हैं। तो आईडी के अंदर जो भी हमारी आईडी होगी हम इसके ऊपर जो है वो पास कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा सर्विसेज मेन्यू है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे इसकी आईडी कर लेता हूँ सर्विसेज मेन्यू। देन उसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो अगली प्रॉप पास करेंगे जो कि हमारा होगा एंकर एलिमेंट। तो एंकर एलिमेंट के अंदर हम सिंपली जो हमने ऊपर एंकर एलिमेंट बनाया है वो हम इसके अंदर जो है वो पास कर देंगे। देन उसके बाद हम इसके ऊपर प्रॉप पास करेंगे ओपन की, तो ओपन के लिए हम यहाँ पे जो हमने ऊपर बनाया बुलियन का वेरिएबल ओपन वो हम इसके ऊपर अंदर जो है वो पास कर देंगे। और उसके बाद हमने ऑन क्लोज के ऊपर क्या करना है तो हम इसके ऊपर जो है वो पास कर लेंगे जो कि हमारा इवेंट होगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ऑन क्लोज, और ऑन क्लोज के अंदर जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया हैंडल क्लोज का वो हम इसके अंदर जो है वो पास कर लेंगे। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है वो इसको पेस्ट कर दूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसका एंकर ओरिजिन जो है वो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एंकर ओरिजिन, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। और इसके अंदर जो है वो हम बता देंगे कि इसका जो ओरिजिन होगा वो क्या होगा। तो हम इसको कर लेंगे, मेरे पास यहाँ पे दो प्रॉपर्टी आ जाएंगी। सबसे पहली आ जाएगी वर्टिकल, यहाँ पे वर्टिकल आ जाएगी, और वर्टिकल के ऊपर हम बता देंगे कि ये होगा टॉप के ऊपर। देन उसके बाद हमने यहाँ पे बताना है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के अंदर हम यहाँ पे बता देंगे कि ये कहाँ पे जो है वो इसका होगा हॉरिजेंटल। तो हम यहाँ पे हॉरिजेंटली इसको जो है वो राइट साइड के ऊपर जो है वो रखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा राइट। देन उसके बाद हमने यहाँ पे इसका ट्रांसफॉर्म ओरिजिन बताना है कि ये ट्रांसफॉर्म जो है वो कहाँ से होगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। और इसके अंदर भी जो है वो हमने वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो है वो बताना है। तो मैं यहाँ से इनको कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन ट्रांसफॉर्म ओरिजिन के
अंदर जो हमारा होगा वो होगा टॉप होगा यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे जो वर्टिकल के अंदर जो हमने बताना था यहाँ पे बॉटम बताना था, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बॉटम और नीचे हमारे पास यहाँ पे टॉप और राइट आ जाएगा, और ऊपर जो है हमारे पास बॉटम और राइट जो है वो आ जाएगा। देन उसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो पास करना है मेन्यू लिस्ट प्रॉप्स, तो उसके पहले मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मेन्यू लिस्ट प्रॉप्स की जो प्रॉप है इसके अंदर जो है वो मैं पास कर लूंगा। तो इसके अंदर जो है वो हम पास कर लेंगे जो हमारा आरिया लेबल होगा, तो वो इसके अंदर जो है वो हम सिंपली पास कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा आरिया एंड देन आरिया लेबल लेड बाय, हम इसके अंदर जो है वो पास कर लेंगे। तो इसको जो है वो हम कोर्स के अंदर पास करेंगे, मैं यहाँ पे कोर्स भी लगा लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कोर्स आ जाएंगे और इसके अंदर जो है वो हम जो पास करा देंगे कि ये किस चीज़ का जो है वो बटन है। तो हमने इसके ऊपर बताना है सर्विसेज बटन, मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सर्विसेज बटन। देन उसके बाद हमारे जो आइटम होंगे हम इसके अंदर जो है वो डिफाइन कर देंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मेन्यू का जो होगा आइटम हम इसके अंदर जो है वो डिफाइन करेंगे। तो मैं इस कंपोनेंट के अंदर आ जाऊंगा, तो उसके लिए हमने जो ऊपर कंपोनेंट इंपोर्ट किया है मेन्यू आइटम का, उसका मैं यहाँ पे जो है वो यूज कर लूंगा। तो मेन्यू आइटम के ऊपर जो है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा हमारी ट्रैक्टर की वेबसाइट है, तो उसके अंदर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कैरिंग, हम कुछ सामान वगैरह लेके जाना चाहते हैं, इसको मेरे से डुप्लीकेट भी जो है वो कर लेता हूँ 3 दफा, तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर ऑन क्लिक लगा लेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के ऊपर हमने क्या करना है कि हमने जो है वो इसको हैंडल क्लोज कर देना है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हैंडल क्लोज, जो कि हमने फंक्शन ऊपर जो है वो बनाया, क्योंकि हम यहाँ पे मेन्यू आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको जो है वो क्लोज होना चाहिए, क्योंकि अभी हम यहाँ पे किसी और लिंक के ऊपर जो है नेविगेट जो है वो नहीं करवा रहे। अगर आप नेविगेट वगैरह करवाना है तो आप यहाँ पे रिएक्ट राउटर का यूज करके जो है वो उसको नेविगेट जो है वो करवा सकते हैं प्रोग्रामेटिकली। अब हमारा नीचे मेन्यू वाला काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है कि जिस बटन के ऊपर हमने इस मेन्यू को ओपन करना है हमने उसके ऊपर सारी चीज़ें जो है वो डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर इंपोर्ट करना है ये वाला जो बटन है हमारा सर्विसेज का, तो इसके ऊपर जो हमारी प्रॉप्स होगी हम इसके ऊपर जो है वो डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसके ऊपर जो है वो प्रॉप डिफाइन कर लूँगा कलर की, और कलर के अंदर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इनहेरिट। एंड देन उसके बाद जो अगली प्रॉप होगी वो हम बताएंगे कि इसकी आईडी क्या है, तो मेरे पास यहाँ पे इसकी आईडी जो है वो आ जाएगी जैसे हमने नीचे लिखी है। तो ये वाली सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मेन्यू की जगह मैं कर लूंगा बटन। एंड देन उसके बाद जो अगली प्रॉप हम इसके अंदर जो है वो पास करेंगे वो हमारे पास होगी आरिया कंट्रोल्स, तो मतलब हमने बताना है कि इसका आरिया कंट्रोल जो है वो क्या होगा एक्सेसिबिलिटी के लिए, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आरिया। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आरिया कंट्रोल, तो ये वाली जो प्रॉप होगी अब इसके ऊपर जो है वो पास करेंगे, और हमने यहाँ पे बताना है कि अगर ये ओपन है तो इसका जो आरिया कंट्रोल होगा यहाँ पे शो हो जाए कि ये सर्विसेज मेन्यू, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम उसको जो है वो अनडिफाइन कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे ओपन जो हमने ऊपर बनाया बुलियन वेरिएबल उसके ऊपर जो है वो चेक लगाएंगे, अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे कर लेंगे सर्विसेज मेन्यू, हम यहाँ पे कर लेते हैं, मैं यहाँ से इसको जो है वो कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे जो है वो इसको पेस्ट कर दूंगा। तो उसके बाद यहाँ पे अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो है हम इसको जो है वो अनडिफाइंड जो है वो कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अनडिफाइंड। इसके बाद जो अगली प्रॉप हम इसके ऊपर जो है वो पास करेंगे वो हमारे पास होगी एरिया हैज पॉपअप, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आरिया। आरिया के अंदर हमने यहाँ पे बताना है कि हैज पॉपअप, मेरे पास यहाँ पे आएगा हैज पॉपअप, और इसको जो है वो हम यहाँ पे कर देंगे ट्रू, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। देन उसके बाद जो अगली प्रॉप होगी वो हम इसके ऊपर जो है वो पास करेंगे आरिया एक्सपेंडेड, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा आरिया एक्सपेंडेड, हम इसके ऊपर जो है वो पास कर लेंगे आरिया एक्सपेंडेड, और आरिया एक्सपेंडेड के ऊपर भी हम बताएंगे अगर एक्सपेंडेड होगा तो ओपन होगा तो ट्रू हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर यहाँ पे जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ओपन, अगर ऐसा है तो हम इसको जो है वो ट्रू कर देंगे, स्ट्रिंग होगा हमारे पास, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसको जो है वो हम जैसे हमने ऊपर किया है सर्विसेज मेन्यू के अंदर यहाँ पे आ जाए कंट्रोल्स के अंदर, तो वैसे ही हम इसको भी जो है वो अनडिफाइंड जो है वो कर देंगे। देन उसके बाद हमने जो है वो इसके ऊपर जो है वो ऑन क्लिक लगाना है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ऑन क्लिक, मैं यहाँ पे जो है वो लगा लूंगा, और ऑन क्लिक के ऊपर हमने क्या करना है कि हमारा जो मेन्यू होगा उसको जो है वो हमने ओपन कर लेना है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हैंडल क्लिक, तो मेरे पास यहाँ पे जो मेन्यू होगा वो इससे जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है वो आइकन भी बताना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आइकन जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो आइकन का जो मेरे पास यहाँ पे नाम है वो है मेरे पास कीबोर्ड एरो डाउन आइकन, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंपोर्ट एंड देन यहाँ पे कीबोर्ड एरो डाउन का जो आइकन है वो मैं यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट कर लूंगा, ये वाला जो आइकन है मेरे पास यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा, तो मेरा आइकन यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा, और फिर आइकन को जो है वो हमने यहाँ पे जो है वो ऐड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे बता देंगे कि इसका जो एंड आइकन होगा वो यहाँ पे जो है वो क्या होगा, तो हम इसके ऊपर एंड आइकन की जो है वो प्रॉप पास करेंगे, और इसके अंदर जो हमारा आइकन है कीबोर्ड एरो डाउन का आइकन वो हम इसके ऊपर अंदर जो है इस तरीके से एज अ कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे पास कर देंगे। तो फिर उसके बाद इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, इसको मैंने यहाँ पे
ऐड किया हुआ app.js के अंदर, तो मैं जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर, तो मेरे पास यहाँ पे जो मेन्यू आइटम है वो कुछ इस तरीके से जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा किसी भी आइटम के ऊपर, तो मेरे पास जो मेन्यू आइटम होगी वो यहाँ पे जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो हम MUI के अंदर जो है, अगर हमने मेन्यू आइटम बनाना है तो हम मेन्यू कंपोनेंट और मेन्यू आइटम कंपोनेंट को यूज करके जो है वो इजिली बना सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।